God's voice is heard first by his works and secondly by his word. और याद रखिए कि परमेश्वर की वाणी को हम सुन सकते हैं पहले उसके कार्यों के द्वारा और दूसरा उसके वचन के द्वारा। All right, let us continue our study on the question of testing. और आइए हम अपने मनन को जारी रखेंगे अगर आपको याद हो वो शीर्षक था परीक्षा। द

ट्रस्ट और आज के दिन हम बात करेंगे विश्वास के बारे में that how the trust will be tested? कि कैसे हमारा भरोसा का परीक्षा लिया जाएगा देयर इज ए चैप्टर 11 वर्सेस 17 एंड 19 से और इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वा अध्याय 17वें वचन से लेकर 19वें वचन में लिखा Abraham है एब्राहाम ट्रस्टेड गॉड व्हेन ही ऑफर्ड आइसक टू गॉड वहां पर लिखा है कि एब्राहाम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा जब उसने को बलिदान के लिए चढ़ाया वाट इज ट्रस्ट और भरोसा क्या है ट्रस्ट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फेथ और याद रखिए भरोसा विश्वास का वास्तविक रूप है जिसे देखा जा सकता It is है। ट्रस्ट इन गॉड दैट

उसका दूसरा अध्याय मदर ट्रस्टेड गॉड वेन शी मेड put baby Jesus inside of it. मूसा की माँ ने परमेश्वर पर अपने भरोसे को दिखाया ये करते हुए जब उसने एक छोटा सा टोकरी बनाकर मूसा को उस पर रख दिया एंड लेट the boat float in the river Nile और उस छोटी सी नाव को जो उसने बनाई थी उसे बहा दिया उस नाइल नदी में That is trust. और वो है भरोसा What was her faith? उसका विश्वास क्या था विल टेक दिस बास्केट बिकॉज गॉड इज फेथफुल और उसका विश्वास ये था कि परमेश्वर इस टोकरी को या इस नाव को उठा लेगा क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है इस विश्वास ने ही उसकी सहायता करी कि वो उस नाव को put, या उस टोकरी को बना सके पुट द बेबी जीसस इनसाइड और उस छोटे बच्चे मूसा को उसके अंदर रखे और उस नील नदी में उसे धकेल दे दैट इज ट्रस्ट और ये है भरोसा ट्रस्ट वॉज दिल बी प्रोटेक्टेड बाई दिम टू अवेयर गॉड वो और भरोसा ये था कि परमेश्वर इस मूसा को उस जगह पर ले जाएगा जहां पर वो चाहता है कि ये बच्चा बड़ा होने पाए इन मोस ओन लाइफ मूसा के अपने जीवन में वी कैन सी हिम ट्रस्टिंग गॉड सेवर ओकेशन हम देख सकते हैं कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा कई बार एस ई लेट दीपुल ऑफ गॉड आउट ऑफ रिच एप जैसे उसने परमेश्वर के लोगों को मिस्र से बाहर निकाल लेट दम इन टू दिल्डनेस और उस जंगल की ओर ले गया देर आर सेवर ओकेशन टू एक्सरसाइज नॉट ओनली एक्सरसाइज इज फेथ एंड देन ऑल्सो ट्रस्ट कई बार ऐसी परिस्थितियां थी जहां उसे ना केवल अपने विश्वास को दिखाना पड़ा लेकिन अपने भरोसे को परमेश्वर पर भी दिखाना पड़ा that happens आप देखिए कैसे चमत्कार और चिन्ह हुए and then in wilderness और उस जंगल में God commanded और उस भरोसे पर जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी

लाल समुद्र में ही स्ट्रेच आउट द रॉड विच इन हैंड उसने उस लाठी को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ाया एट द कमांड ऑफ गॉड और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार बाई डूइंग दैट प्रैक्टिकली और उसे ऐसा करते हुए ही ट्रस्टिंग गॉड दैट गॉड विल फुलफिल हिस्स वर्ड इफ आई डू माई पार्ट ऑफ ट्रस्टिंग हिम और वो इस बात पर भरोसा करते हुए उसने उस लाठी को उठाया कि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करेगा अगर मैं अपना भरोसा उस पर रखता हूँ एंड इन और उस जंगल में वेदर नो मीट जहाँ पर कोई मांस नहीं था खाने को एंड गॉड प्रोवाइडेडी तो परमेश्वर ने बहुत आयत से दिया खाने के लिए। गॉड do. क्योंकि मूसा ने हर बार उस पर उस बात की आज्ञा मानी जो परमेश्वर ने उससे कहा एंड हाउ अबाउट दई और येको और ए आई नगर का जो विजय उस पर पाई गई उसके बारे में क्या कहें? बिलीव मूसा को विश्वास करना था एंड देन पुट दैट फेथ इन टू

तेरा लंबे साल आउट ऑफ father तेरा लंबे साल उसने अपने परिवार और अपने पिता से दूर रहकर और एक अलग नगर एक अलग देश में लेकिन इन सारे सालों में ही रिमेन फेथफुल टू दी गॉड ऑफ इज फादर बना रहा वो विश्वास योग्य बना रहा अपने परमेश्वर के जो परमेश्वर था इब्राहिम याकूब और का। you know what he believed? और उसने क्या विश्वास किया? जब वो एक लड़का ही था। The Lord gave him a dream. परमेश्वर ने एक सपना उसे दिया थ्रू ऑल और इन सारे सालों में ही बिलीव दट गॉड वुड ब्रिंग dream ट्रू और उसने यही विश्वास किया यही भरोसा रखा कि परमेश्वर ने जो सपना उसे दिया परमेश्वर उस सपने को पूरा करेगा सो फ्रॉम द ड्राई वेल और इसलिए उस कुए से he was taken out and sold to the Ishmaelites. उसे निकाल कर इस्माइलियों को बेच दिया They गया brought him to Egypt. वे उसे मिस्र ले आए हाई ऑफिशियल फेरो और उसे बेच दिया मिस्र के एक बहुत ही बड़े अधिकारी मिस्र के फेरो के एक बहुत ही बड़ी अधिकारी के पास अन ही रिमेन्ड ट्रू एंड कैप्टिस इज इज लाइफ from वो सच्चा बना रहा अपने विश्वास के प्रति और परमेश्वर पर ही उसका भरोसा बना रहा वॉट वॉज द रिजल्ट उसका परिणाम क्या ऑल इन सारी बातों के अंत में क्लोज ऑफ थर्टीन ईयर्स तेरह साल के समाप्ति में फ्रॉम प्रिशन directly to the throne of Egypt. वो उस कारागार से निकलकर सीधा परमेश्वर ने उस मिस्र के सिंहासन पर उसे बैठा दिया. That's how God rewarded his faithfulness and his integrity. और इसी तरीके से परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता और उसकी सच्चाई का इनाम उसे दिया. And in Egypt. और मिस्र में. He became the savior of not only Egypt, including Pharaoh. ना केवल वो बन गया बचाने वाला मिस्र और फिर लेकिन और दूसरे देशों का भी इनवर्स ही कंबाइंड फेथ और दूसरे शब्दों में उसने विश्वास को मिलाया विथ एक्शन अपने कार्य में वक्शन और उसका कार्य क्या था वेन वॉज वेन वज विश्वास किया तब जब वो उसे एक आरोपी झूठे आधार पर बना कर के कारागार में रखा गया तब भी उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा ही अपने विश्वास को बनाए रखा एंड ही रिमेन फेथफुल His faithfulness was great. And he remained faithful to his integrity, trusting his God to save him. और वो अपने परमेश्वर पर भरोसा करता रहा कि परमेश्वर ही उसे बचाएगा एंड हिम और उसे गॉड को कभी भूला नहीं गॉड और परमेश्वर कभी असफल नहीं एंड स्टिल द सेम गॉड और वो अभी भी वही परमेश्वर ही विल नॉट फोर सेनी वन हु इंटेग्रिटी और वो ऐसे को कभी नहीं भूलता जो उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं और सच्चे बने रहते हैं इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता ट्रस्ट गॉड विथ लाइफ परमेश्वर पर भरोसा रखे अपने जीवन तक ट्रस्ट गॉड विथ योर फ्यूचर परमेश्वर पर भरोसा रखे अपने भविष्य के लिए ट्रस्ट गॉड विथ योर होप्स एंड इटर्निटी और परमेश्वर पर भरोसा रखे अपनी आशाओं और अनंत काल के लिए ही हु हैज प्रॉमिस और वो जिसने वादा किया है शैल नॉट फॉरगेट वो उस वादे को भूले ही विल फुलफिल ऑल इज प्रोमिस टू यू इन गॉड्स ओन टाइम वो उन सारे वादों को परमेश्वर के समय में आपके जीवन में पूरा God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष As you set out today to live your life. जैसे कि आज के दिन आप निकलते हैं अपने जीवन को जीने के लिए Be faithful to God. परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। Because of God. क्योंकि परमेश्वर की वजह से You fear God. आप परमेश्वर का भय माने That's what uh, Joseph told this woman, Mrs. Potiphar. और इसी बात को यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी से कहा केप्ट ऑन ऑन कमिंग टू हिम टू और जो बार बार उससे मजबूर करती थी उसे प्रोत्साहित करती थी कि वो किसी तरीके से मान जाए उसके साथ सोने But के का जोसफ ऑन फाइटिंग अगेंस्ट लेकिन यूसुफ ने निरंतर उस लड़ाई को लड़ा इट वाज नॉट अ वन डे और टू अफेयर और याद रखिए एक दिन या दो दिन का नहीं था एवरी डे दिस लेडी वुड कम प्रतिदिन पोतिफर की पत्नी उसके पास When आती husband would be in the office, जब वो पति उसका अपने कार्य में होगा servants will be out in the field. और सारे दास अपने कार्यों में लगे होंगे दिस वुमन विल कम ये स्त्री आएगी My फ्रेंड्स remember। मेरे मित्रों याद रखें। we all वी ऑल विल that वे हम सब की परीक्षा इसी प्रकार ली जाएगी। determination reason गॉड said रीजन ही I नॉट लाई lie यू बिकॉज नंबर number आई I fear गॉड और क्या आपको कारण पता है उसने पोतीफर की पत्नी से कहा मैं तुम्हारे संग नहीं सोऊंगा। क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ दूसरा बिकॉज यू आर नॉट माई वाइफ और दूसरा कारण ये है कि तू मेरी पत्नी नहीं I have no business to touch another woman. और मेरे वैसा कोई भी कार्य नहीं कि मैं कि किसी दूसरी स्त्री को छूऊं भी. Who is not my wife? जो मेरी पत्नी नहीं. Keep your integrity and your purity. अपनी सच्चाई और शुद्धता को बनाकर कर, कर रखें. And God's blessing will come upon you. और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा. God shall not. He is watching. और वो देखता है. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। He may take you through difficult uh, steps. और वो आपको कठिन समयों से लेकर जाएगा। for the dry well और सूखे कुएं and then slavery in Egypt. और वो दासता मिस्र में and then prison. और वो कारागार see all these things were necessary for uh, Joseph to appear before Pharaoh. और ये सारी बातें जरूरी थी यूसुफ के लिए कि वो फिरौन के सामने प्रकट हो।

Our commitment. और अगला जो हमारा मनन हो, होगा वहाँ पर हम देखेंगे कैसे परमेश्वर हमारे समर्पण की परीक्षा लेकिन अच्छा ये दिन वो है जो परमेश्वर ने आपको Don't spoil it. इसे खराब ना एंजॉय इसका आनंद ग्लोरिफाई का परेश्वर की महिमा वॉट अवर यू ट्यूब जो कुछ भी आप करते हैं परमेश्वर का आशीष आप सबके